नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर वीरेंद्र सिंह, ब्लॉक रिसोर्स पर्सन इंग्लिश, ब्लॉक सलावास, डिस्ट्रिक्ट छछर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा में बच्चों की अधिगम की बढ़ाने के लिए एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसको LEP यानी कि लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसमें उन बच्चों के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है जो बच्चे वर्तमान लेवल से पिछड़े हुए हैं, यानी कि उन बच्चों को प्रीवियस लेवल से और प्रेजेंट लेवल पर लाने के लिए इस प्रोग्राम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो दोस्तों, इसमें आप विद्यालय के प्रथम घंटे में आप LEP करवाते हैं, अलग अलग दिन निश्चित किए हुए हैं, आप अच्छी तरह से आप LEP करवाते हैं और इसको मेंटरिंग करने के लिए और इसका मॉनिटरिंग करने के लिए एक व्यवस्था की गई है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पहले यहाँ पर जो व्यवस्था थी उसमें मेंटर वन और मेंटर टू का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हुआ करती थी। अब नए परफॉर्मे में और नए इस योजना में मेंटर वन, जो कि आपके नजदीकी विद्यालयों के प्रिंसिपल साहिबान हुआ करते थे, उनको हटाकर और मेंटर वन की जगह पर एक नया नाम दे दिया गया है जिसको SLO कहा जाता है। SLO की अगर आप फुल फॉर्म देखना चाहते हैं तो SLO का मतलब है स्कूल LEP ओनर, यानी कि जो भी प्राथमिक विद्यालय के अंदर जो पढ़ा रहा है और उसी स्कूल का इंचार्ज या हेड टीचर SLO कहलाएगा। तो साथियों, पहले मेंटरिंग जो मेंटर वन किया करते थे, अब वो मेंटरिंग आप करनी होगी, SLOs को करनी होगी। तो इसमें आपको जो भी मेंटरिंग आपको करनी है उसको ऑनलाइन भी आपको करना होगा, और ऑनलाइन फॉर्मेट क्या होगा, ऑनलाइन परफॉर्मा कैसे होगा, और ऑनलाइन को इसको एकेडमिक मॉनिटरिंग सिस्टम पे किस तरह से ऑनलाइन किया जाए, तो हम आज इसी बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। साथियों, जब आप इस स्कूल LEP ओनर के परफॉर्मा को ऑनलाइन करेंगे तो सबसे पहले हम हमारे विभाग की साइट स्कूल एजुकेशन हरियाणा के ऊपर चलते हैं वहां पर, और वहां से हमें इसको ऑनलाइन करना है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी स्कूल एजुकेशन हरियाणा की वेबसाइट है, इसको हम यहां से अब शुरू करते हैं। साथियों, ये साइट खुल चुकी है। अब आप इसमें देखिए कि राइट हैंड साइड के ऊपर जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस का एक कॉलम है, उसमें पहला कॉलम है मंथली टेस्ट मॉनिटरिंग का, जिसमें आप आपका मंथली टेस्ट का डाटा अपलोड करते हैं, और उसके बाद में दूसरा नंबर है एकेडमिक मॉनिटरिंग का। तो दोस्तों, हमें इस एकेडमिक मॉनिटरिंग के ऊपर ही जाना है, तो इस लिंक को आप क्लिक करते हैं। जब आप इस लिंक को क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये एक विंडो खुलती है, ER रोहन के नाम से एकेडमिक मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा का है। तो साथियों, इसके अंदर दो चीजें हैं, यूजर नेम और पासवर्ड। लॉगिन करने के लिए दोनों ही चीजें अत्यंत आवश्यक हैं। तो यूजर नेम आपका क्या होगा, जो भी आपके विद्यालय की आईडी है, स्कूल आईडी, वो आपका यूजर नेम होगा। जैसे कि मैं एक नमूना आपको दिखाता हूं, माना कि एक आईडी हम किसी भी स्कूल की ले लेते हैं, मैं अपने ही ब्लॉक के स्कूल की एक आईडी लेता हूं, 1 3 2 8 0, ये हमने आईडी ली। उसके बाद में पासवर्ड इसने मांगा है, तो पासवर्ड साथियों एक डिफॉल्ट पासवर्ड है जो कि शॉर्ट लेटर्स में PASSS@123। और अब जो है ये पासवर्ड और यूजर आईडी भरने के बाद में हम इसमें लॉगिन करते हैं। ये लॉगिन हो गया है। अब ये आप देख सकते हैं कि ये किसी स्कूल की का पोर्टल खुला है, जो कि GPS जटवाड़ा का स्कूल है, और इसकी ये स्कूल की आईडी है 13280। तो साथियों, इसमें अब आपको जो पैनल दिखाई देगा उसमें एक बिल्कुल डैशबोर्ड फॉर करंट मंथ के नीचे आपको एक रेड कलर की स्ट्रिप चलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि इसका परफॉर्मा अब थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो इसलिए हम जो है न्यू परफॉर्मा डाउनलोड हेयर के लिंक पर जाते हैं और उसको डाउनलोड करते हैं।
हाँ जी, ये देखिए ये परफॉर्मा डाउनलोड हो गया है। इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं जिससे कि हम इसको आसानी से पढ़ पाए। देखिए सर, ये स्कूल एलईपी ओनर एसएलओ परफॉर्मा है। इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, नेम ऑफ द स्कूल, स्कूल कोड, एसएलओ का नाम, एसएलओ की आईडी, डेट ऑफ विजिट, डे ऑफ विजिट और सब्जेक्ट बिंग स्टार्ट वाइल विजिट, यानी कि विजिट के दौरान पढ़ाया जा रहा विषय, ये सारी चीजें हैं। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, स्कूल का नाम, स्कूल का कोड, ओनर का नाम और स्कूल एलईपी ओनर की आईडी, ये आपको ऑटोमेटिकली भरे हुए मिलेंगे। इसमें आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और ना ही आपको ये भरना है। आपको भरना क्या है, डेट ऑफ विजिट। अब डेट ऑफ विजिट के अंदर जब आप क्लिक करेंगे तो जो महीने की आप विजिट करना चाहते हैं तो उसका कैलेंडर खुल जाएगा। वो हम ऑनलाइन फॉर्मेट के अंदर हम देखेंगे। इस ऑफलाइन फॉर्मेट को डाउनलोड करने का हमारा जो मकसद है वो ये है कि क्योंकि अभी एसएलओज पहली बार इस परफॉर्मा को ऑनलाइन कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए और थोड़ा सा उनको रिकॉर्ड उनके पास हो और वो सारा का सारा डाटा इसके अंदर भर सकें ताकि के ऑनलाइन करने में इनको कठिनाई ना आए। तो यहाँ पर डेट ऑफ विजिट होगी और डेट ऑफ विजिट जैसे ही आप भरेंगे तो डे ऑफ विजिट ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए सर, अगला है कि सब्जेक्ट बीइंग टॉट व्हाइल विजिट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट चूज करना है। आपको ज्ञात है कि एलईपी में हर सब्जेक्ट का एक निश्चित दिन होता है और तीन सब्जेक्ट ही एलईपी के अंदर पढ़ाए जाते हैं, पहली से कक्षा पांचवी तक, जो कि हैं मैथमेटिक्स, इंग्लिश और हिंदी। तो इसको पहले दो दिन मैथमेटिक्स है, उसके बाद में दो दिन इंग्लिश है और उससे लास्ट के दो दिन हिंदी है, यानी कि सोमवार मंगलवार मैथमेटिक्स, बुध और वीरवार आपका इंग्लिश और शुक्रवार और शनिवार हिंदी। तो अब इसको भरने के बाद में कि जिस दिन भी आप विजिट करते हैं तो उस दिन आप देखें कि अध्यापक वही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं शेड्यूल के अनुसार या कोई और सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। अब आप इसका पॉइंट नंबर वन देखते हैं, यह है स्टूडेंट ग्रेड लेवल, कि विद्यार्थियों का ग्रेड, विद्यार्थियों का स्तर वो किस प्रकार का है। देखिए इसमें तीन प्रकार के ग्रेड दिए गए हैं, L0, L1 और L2। तो L0 जो ग्रेड है वो इसमें साफ लिखा हुआ है कि L0 वो बच्चे हैं जो कि अपने ग्रेड स्तर से काफी नीचे हैं, यानी कि जो उनमें बेसिक कॉम्पिटेंसीज ही नहीं है, उनको समझ नहीं है बेसिक कॉम्पिटेंसीज की, वो बच्चे हैं। L1 जो कि पिछली कक्षा के जो मूलभूत कॉम्पिटेंसीज जो बच्चे जानते हैं लेकिन इस क्लास के नहीं जानते हैं वो L1 है, और L2 वो हैं जो इस साल की कॉम्पिटेंसीज को समझते हैं। तो अब जो है इसमें आपको कहां से ये ग्रेड आप प्राप्त करेंगे, देखिए सर, जितनी भी एलईपी मैनुअल्स हैं तो उन एलईपी मैनुअल्स, चाहे वो हिंदी की हो, चाहे मैथमेटिक्स की हो, चाहे वो अंग्रेजी की हो, उसमें हर मैनुअल के पीछे एक असेसमेंट ट्रैकर दिया हुआ है, कुछ पेज दिए हुए हैं, मूल्यांकन सूची उसको कहा जाता है। तो उसमें अध्यापक स्वयं उसको भरता है, अपने बच्चों का जब असेसमेंट करता है तो उसमें पूर्व आकलन बच्चों का करता है और उसके बाद में पाठ के उपरांत क्या क्या बच्चों ने प्राप्त किया, क्या क्या बच्चों की समझ विकसित हुई, ये सारी चीजें उसके अंदर रिकॉर्डेड होती हैं। तो आपको वही मूल्यांकन सूची देखनी है हर क्लास की और वहां से आपको इस संख्या को ज्ञात करना है कि कितनी किसी अमुक कक्षा में कितने बच्चे L0 पर हैं, कितने बच्चे L1 पर हैं और कितने बच्चे L2 पर हैं। तो आप थोड़ा सा इसके अंदर जब आप काम करेंगे और उन रिकॉर्ड्स को देखेंगे तब आपके पास ये संख्याएं आ जाएंगी, आप ये संख्याएं इसके अंदर भर सकते हैं। उसके बाद में हम चलते हैं पार्ट टू के ऊपर। इसका जो पार्ट टू है, पॉइंट लिस्ट ऑफ कॉम्पिटेंसीज टू बी फोकस्ड ऑन नेक्स्ट मंथ, आगामी मास में ध्यान देने वाली दक्षताओं की सूची, यानी कि इस महीने अगर आपने विजिट किया है और आपने कुछ बच्चों से पूछा है और बच्चों की दक्षताएं देखी हैं तो आपके मन में ये भी जरूर होगा कि अगले महीने के लिए कोई इस प्रकार का रिकॉर्ड या इस प्रकार का कोई सेट करें हम, कोई फोकस करें हम कोई कॉम्पिटेंसी के, जिससे कि हमें पता लगे कि हाँ बच्चों ने ये कॉम्पिटेंसी अगले महीने सीखनी है। तो इसमें तीनों ही सब्जेक्ट दिए हुए हैं और पांचों क्लास दी हुई हैं। यहाँ पर सिलेक्ट का बटन है लेकिन यहाँ ये ऑफलाइन परफॉर्मा है तो आप इसमें सिलेक्ट कर नहीं पाएंगे, इसके लिए हमको जब हम ऑनलाइन परफॉर्मा भरेंगे तब हम वहां पर इसको सिलेक्ट कर लेंगे। जब हम वहां पर ऑनलाइन पर जाएंगे तब हम ये दिखाएंगे कि किस प्रकार से इसको सिलेक्ट करना है। तीसरा पॉइंट, इसका इनपुट रिक्वायर्ड फॉर बेटर एलईपी इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि एलईपी के बेहतर क्रियान्वयन के लिए आपको क्या क्या
चाहिए और क्या क्या जो है आपके सुझाव हैं, ये सारी चीजें इस तीसरे नंबर के पॉइंट पे हैं। तो पहला है इसमें रिक्वायर विजिट ऑफ ए मेंटर, मेंटर की जरूरत है या नहीं है, अगर है तो उसका कारण बताना होगा कि किस लिए है, एलईपी के जो मैनुअल्स हैं उनका प्रयोग कैसे किया जाए उसके लिए, या मूल्यांकन सूची को भरवाने के लिए, या टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसके लिए, या फिर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के लिए है। परंपरागत शिक्षण में जहां हम ट्रेडिशनल टीचिंग का प्रयोग करते हैं, वहीं पर जो एलईपी है वो मुख्यतः बच्चों की एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के ऊपर ही आधारित होती है, जिसमें बच्चे क्रियाओं के द्वारा लर्निंग बाय डूइंग से सीखते हैं। और उसके बाद में है ग्रुपिंग, के बच्चे अपना अच्छी तरह से ग्रुप बनाते हैं और पीयर ग्रुपिंग के सहायता से बच्चे सामूहिक रूप से रचनात्मक ढंग से वो बच्चे सीखते हैं। उसके बाद में ये है कि आपको कोई वीडियो कंटेंट की आवश्यकता है या नहीं है, ये आपको यस या नो पर क्लिक करना है। और अन्य कोई आपको संसाधनों की आवश्यकता है तो आप यस करेंगे तो फिर आपके पास ये भी आएगा कि किस प्रकार के संसाधनों की आपको आवश्यकता है। तो उसके बाद में जब ये सारा कार्य हो जाता है, तब आपको राइट हैंड साइड के अंदर जब आप देखेंगे तो सबमिट का बटन है नीचे की ओर, आप इस सबमिट के बटन को दबा देंगे और आपकी एक विजिट, एक महीने की विजिट ये पूरी हो जाएगी। तो ये आपका ऑफलाइन परफॉर्मा था, अब हम देखते हैं इसी ऑफलाइन परफॉर्मा को ऑनलाइन करते हैं। हमने वापस वहीं पर गए, हम एलईपी मेंटरिंग जहां पर आपका डैशबोर्ड खुला हुआ था वहां पर देखिए, आपको जाना है डैशबोर्ड के साथ है एक्शंस और एक्शंस के साथ है एसएलओ विजिट। तो आप एसएलओ विजिट के ऊपर जाएं, अभी हम इसको क्लिक करते हैं एसएलओ विजिट को, हाँ ये एसएलओ विजिट आपकी ओपन हो गई है। अब इसमें देखें, थोड़ा सा नीचे जाकर देखें कि असाइंड स्कूल डिटेल फॉर करंट मंथ, वर्तमान माह में आवंटित स्कूलों का विवरण, कि इसमें आपके ज्यादा स्कूल नहीं है क्योंकि आप स्वयं जो है आपको एक ही स्कूल का विजिट करना है, एक ही स्कूल का परफॉर्मा भरना है, तो जो जिस स्कूल में आप इंचार्ज हैं वही स्कूल आपका एलोकेशन जिस स्कूल का हुआ है वो वही स्कूल है जिसके कि आप इंचार्ज हैं, जैसे कि ये जटवाड़ा जीपीएस है, ब्लॉक सालाबाद से डिस्ट्रिक्ट झज्जर है। तो इसमें देखिए राइट हैंड साइड के अंदर लिखा हुआ है विजिट कम्प्लीटेड में नॉट येट फिल्ड, अभी तक नहीं भरा गया है। तो अभी तक नहीं भरा गया है तो इसका मतलब अभी हम इसको भरेंगे, तो हम इसको क्लिक करेंगे इस लिंक को, हमने इसको क्लिक कर दिया है। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि हमारी, हो सकता है कि साइट डाउन चल रही है, हाँ ये हमारा आ गया। अब देखिए साथियों, जैसे कि अभी हमने जिक्र किया था कि डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और स्कूल का नाम, स्कूल कोड, एसएलओ का नाम और एसएलओ की आईडी, ये सब प्री फील्ड कॉलम्स हैं। तो अब हमको क्या करना है, हमको डेट ऑफ विजिट के ऊपर जाना है। डेट ऑफ विजिट के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो ये इसी महीने का आपको कैलेंडर दिखाएगा, आप इसमें आसानी से देख सकते हैं कि किस तारीख को आपने इसमें विजिट की थी, और आप इसको क्लिक करेंगे तो ये विजिट आपकी डेट यहाँ पर आ जाएगी, और जैसे ही डेट आएगी वैसे ही डे ऑफ विजिट जो है वो भी आपका यहीं पर अंकित हो जाएगा। उसके बाद में उसी तरीके से कि पहले दो दिन गणित होता है, फिर उसके दो दिन अंग्रेजी होता है और तीसरे दो दिन हिंदी होता है, तो उसी आधार पर आप देखेंगे कि विद्यालय में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा था। अब आते हैं पॉइंट नंबर वन पर, बच्चों का ग्रेड स्तर, छात्रों की संख्या क्या क्या रही, अलग अलग प्रकार के ग्रेडों के आधार पर। जो आपने ऑफलाइन परफॉर्मा में जो आपने ग्रेड भरे हैं उनको आप सीधा आपको यहाँ पर लिख देना है, कक्षा वन में, कक्षा टू में, कक्षा तीन में, कक्षा चार और कक्षा पांच में, और तीनों ही सब्जेक्ट का इंग्लिश, मैथमेटिक्स और हिंदी की बात इसमें लिख देनी है। उसके बाद में हम चलते हैं सेकेंड पॉइंट के ऊपर, लिस्ट ऑफ कॉम्पिटेंसीज के ऊपर जो है जब हम चलते हैं तो यहां पर अब देखिए हिंदी, अंग्रेजी और मैथ सारी चीज आई हुई हैं, कक्षाएं भी जो है पांचों की पांचों दिखा रखी हैं। तो अब हमको सिलेक्ट के ऊपर, किसी भी सिलेक्ट बटन के ऊपर हम इसको क्लिक करेंगे, क्यों तो ये देखिए दुनिया भर की कॉम्पिटेंसीज जो है वो आपके सामने आ गई है, उस कक्षा की विशिष्ट कॉम्पिटेंसीज आपके सामने अब आ गई है। ये 10 के करीब जो है कॉम्पिटेंसीज दे रखी है, तो ये अब आपको बच्चों के लेवल के आधार पर और अध्यापक से विचार विमर्श करके आपको डिसाइड करना होता है कि मेरे बच्चे कक्षा एक के हिंदी के विषय में मेरे बच्चे अगले महीने क्या सीखना चाहेंगे और क्या सीखना जो है उनके लिए अच्छा रहेगा और क्या जो है उनका टारगेट है वो क्या रहेगा।
तो इस प्रकार से आप किसी भी कॉम्पिटेंसीज के ऊपर क्लिक करते हैं वो यहाँ पर आ जाएगी। इसी तरह से आपको अगले मैथमेटिक्स के अंदर, फिर आपको इंग्लिश के अंदर या जो भी सब्जेक्ट इसके अंदर दिए हुए हैं, और ऐसे ही पांचों की पांचों कक्षाओं के सारे आपको कॉम्पिटेंसीज भरनी है। और एक बात का याद रखें कि जब आप इस कॉम्पिटेंसीज को भर लेते हैं तो राइट हैंड साइड के अंदर जो एड मोर के नीचे बटन दिए हुए हैं ऐड के, आपको ऐड 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 क्लिक करते जाना है ताकि कि जो भी कॉम्पिटेंसीज आपने सेलेक्ट की हैं वो यहाँ पर अंकित हो जाएं, आपके परफॉर्मा में रिकॉर्डेड हो जाएं। हम ऐड बटन अभी यहाँ पर ऐड बटन नहीं लेगा क्योंकि इसने कहता है कि सिलेक्ट कॉम्पिटेंसीज ऑफ हिंदी, अभी हमने कुछ सिलेक्ट नहीं किया है इसलिए ये ऐड बटन को भी नहीं मानता है। जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तब इसमें आसानी से ऐड हो जाएंगी ये सारी की सारी कॉम्पिटेंसीज। उसके बाद में आपका तीसरा पॉइंट आता है, वही जो तीसरा पॉइंट है ये कि रिक्वायर विजिट ऑफ मेंटर, मेंटर की आवश्यकता है या नहीं है, आप यस या नो करें, डिजी एलईपी या वीडियो कंटेंट आपको चाहिए या नहीं चाहिए, या दूसरे कोई रिसोर्सेज अगर आपको आवश्यकता है यस या नो, और उसके बाद में आप इसको अपडेट कर देंगे। तो आपको इतना काम करना है और अपडेट करने के बाद में इसमें प्रिंट का भी एक ऑप्शन आ जाएगा, तब आप आसानी से इस परफॉर्मा को प्रिंट कर सकते हैं और इसको अपने रिकॉर्ड में रख सकते हैं ताकि कि ये पता रहे कि इस माह में एक विजिट हुई थी और अगले माह के लिए कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज हमने निर्धारित की थी और हमारे विद्यार्थियों का जो ग्रेड लेवल था वो किस प्रकार का था। तो साथियों, ये परफॉर्मा आपको SLOs को हर महीने भरना है LEP के लिए, और इसी के आधार पर मेंटरिंग होती है और मॉनिटरिंग होती है, और इससे आकलन भी होता है कि किस विद्यालय में बच्चे किस प्रकार के ग्रेड लेवल पर हैं और क्या क्या जो है उनको कॉम्पिटेंसीज समझ अभी तक हुई है या भविष्य में उनको समझ होने का प्रयास करवाया जा रहा है। तो साथियों, ये आपका परफॉर्मा बहुत आसान है, इसमें इतनी ज्यादा कठिनाई है नहीं। तो उसके बाद में जब आप ये सारा काम कर लेते हैं तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ बटन है लॉग आउट, तो आप इसको यहाँ से क्लिक करके और आप इसको लॉग आउट कर देते हैं। तो इस तरह से जब ये लॉग आउट हो जाता है तो आप वापस अपने जगह पे आ जाते हैं। तो साथियों, ये आपका LEP के लिए SLO का परफॉर्मा भरने की एक विधि थी, एक नमूना था। आपके पास जितनी भी क्वेरीज हैं, कोई भी आपको जानकारी चाहिए, कोई भी आपको कोई प्रश्न है उसका जवाब चाहिए, तो आप अपने अपने ब्लॉक के अंदर कार्यरत BRPs हैं और ABRCs हैं क्लस्टर लेवल पर, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और वो आपकी क्वेरीज को, आपकी शंकाओं का निवारण अवश्य करेंगे। तो मुझे लगता है साथियों के ये विधि अब आपको आ गई होगी, तो अब आप जल्दी से इस SLO परफॉर्मा को भर दीजिए। और याद रखें कि ये जो साइट है वो यही रहेगी, schooleducationharyana.gov.in, ये जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो ये आपकी वहां पर साइट आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आपका, आपने इस वीडियो को देखने का, और अगर कोई आपको सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर जो है आप अपने सुझाव दीजिए ताकि कि हमें भी ये मालूम हो कि किस प्रकार जो है हम इस डिजिटल कंटेंट को और भी बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।